दोस्तों, आप लोगों ने हाथ में छेद करने वाले वायरस फैलाते कीड़े के बारे में तो सुना ही होगा और आप लोगों ने व्हाट्सएप पर यह सुना ही होगा कि इस कीड़े को छूने या मारने से हमारे शरीर में वो वायरस आ जाएगा। अगर हम इस कीड़े को छू लेते तुरंत ही उसका असर हमारे शरीर में दिखाई देने लगता है, यानी कि बीमारी हमारे शरीर में तुरंत फैल जाती है। और यह भी कहा गया है कि यह वायरस हमारे भारत में ही सबसे पहले पाया गया है, जो ला इलाज है, यानी कि उसका कोई इलाज नहीं। अब इस पूरे बात की हकीकत जानते हैं। असल में ये चीज है क्या? यह किसी भी कीड़े से लगी बीमारी नहीं है, ये बस किसी के दिमाग का एक वायरस है जो कुछ भी फैलाते हैं। दोस्तों, आप लोगों को हेलोवीन फेस्टिवल के बारे में तो पता ही होगा, जो तमाम पश्चिमी देशों में 31 अक्टूबर महीने में धूमधाम से मनाया जाता है। सारी रात डरने डराने का प्रोग्राम चलता है, हर कोई इंसान डरावना बन के घूमते रहता है। उसी डराने के लालच में ये डिजाइन उत्पन्न हुआ है। हाथ के पंजे पर स्किन कलर का केमिकल लगाकर उस पर ढेर सारे छेद बना देते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा डरावना लगता है। आप लोग वीडियो में देख ही पा रहे होंगे कि किस प्रकार से इस डिजाइन को तैयार किया जाता है। हाँ, तो हमने जान लिया कि इस डिजाइन को कैसे तैयार किया जाता है। अब इस कीड़े की सच्चाई भी जान लो। ये कोई खतरनाक जंगली जानवर नहीं है और न इसमें यह रोग फैलाने वाला वायरस है। इसकी पीठ में छेद भी नहीं है। ये जायंट वाटर बग है, जिसे देसी भाषा में पन बिच्छिया कहते हैं, यानी पानी में रहने वाला बिच्छू। ये बिच्छू जैसा खतरनाक भी नहीं होता और ये डंख भी नहीं मारता। इस कीड़े की मादा नर की पीठ पर अंडे देती है और नर अंडे की तब तक देखभाल करता है जब तक उनसे बच्चे न निकल जाए। तो ये है पूरी सच्चाई इस पंजा खराब करने वाले जीव की। हाँ, तो दोस्तों, ऐसे ही फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं, जिसका कोई भी मतलब नहीं होता और लोग उसे बिना मतलब के कुछ भी समझ बैठते हैं। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कर देना और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना।